कैसा पानी है कैसा नहीं चेक करते भाई, कितने सालों से कुआ नहीं देखा भाई। आज तो सीन खतरा होने वाला है, बिकॉज गाइस आज लाइट चली गई है हमारे यहाँ। गाइस बैंगर डूबे गाइस, सब शायद हमारा लास्ट ब्लॉग ना हो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग हमेशा की तरह 5:30 बजे, तो चल रहा है गाइस महादेव टेम्पल, लेट्स गो, लेट हो जाएंगे, लेट्स गो। आज टाइम से सुबह सुबह उठने में क्या मज़ा आता है ब्रो, एंड पवन भी मस्त है आज तो इतनी गर्मी में, और दोपहर को पहन कर धूप पड़ी है बढ़िया है, बट पवन अच्छा है अभी, लेट्स गो चलते हैं। चतुर आ गए हैं दोनों, फूल आ गए हैं हमेशा की तरह, एंड चलते हैं मस्त सनराइज के साथ। आज मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बीच रास्ते में फूल वगैरह लेने खड़ा रहता हूँ, तो हाँ चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहुंच गए थे फाइनली टेम्पल, क्या मस्त हवाएं चल रही है सुबह सुबह, और दोपहर को गाइस धूप शुरू होगी भयंकर वाली। बट अभी सनराइज भी नहीं हुआ यार, हेलो 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 हेलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं है मेरे पास सॉरी, ओम नमः शिवाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो आ गए थे करियन चाय, नाश्ता रेडी कर दिया था, मम्मी ने दाल बना गया इज वगैरह ली, रोटली चाय है, एंड ये कुछ आचार कुचार बना नहीं, नाश्ता है तो कर लेते हैं। तो मम्मी गाइज एक अंकल जी को पस्ती पस्ती दी थी, मतलब पेपर वगैरह, और इन्होंने इनकी कहानी बताई कि उनका जो बच्चा है वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है जामनगर, और फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो ये सब काम करें, और घर भी गिरवी रखा हुआ है, घर गिरवी रख कर और फीस वगैरह भर रहा है, कितनी मेहनत करे भाई, सल्यूट है ऐसे पापा को। वैसे गाइज हम चलते हैं, हमें जाना है बाहर, आज है श्रीखंड का प्रोग्राम, मेरी तीसरी पगार पे श्रीखंड पार्टी, चलते हैं लेकर आते हैं मस्त श्रीखंड। तो ले लिया था गाइज मस्त श्रीखंड, चलते हैं पर लेट्स गो लेकर। तो आ गए थे फाइनली घर श्रीखंड लेकर, श्रीखंड इतनी गर्मी, आज तो सीन खतरा होने वाला है, बिकॉज गाइज आज लाइट चली गई है हमारे यहाँ, एंड अभी से इतनी धूप पड़ रही है, 10:30 बजे अभी से इतनी धूप है, तो दोपहर को क्या सीन सुन रहेगा भाई, खतरनाक भयंकर चक्कर खा के गिर जाने वाला हूँ मैं तो यार, पूरे दिन लाइट नहीं आएगी। मम्मी कह रही है कि 5 बजे तक लाइट नहीं आएगी, बाजार में वो गई थी सब्जियाँ लेने, तो सब बातें कर रहे थे ऐसे, 5 बजे नहीं, 5 बजे तक अगर लाइट नहीं आई तो ख़त्म, फिर तो गाइस पता नहीं कल हम ब्लॉग शूट कर पाएंगे या नहीं, फिर तो शायद ये हमारा लास्ट ब्लॉग ना हो। मम्मी क्या करिए धूप में भाई, फ्लैश लाइट ऑन करके हाँ मम्मी अच्छा दिन आ गया फाइनली क्या दाल बनाई, दाल 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 चावल और श्रीखंड और सब्जी,
आलू की सब्जी एंड 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 पूरी, यस पूरी गाइस। ओके आज का फिक्स गाइस, श्रीखंड भी ठंडा हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। मम्मी श्रीखंड भी लाइट नहीं है आज तो, फ्रिज में तो रखा है, बट फिर भी जल्दी खाना बना दो ताकि हम खा ले, वरना श्रीखंड आपको ठंडा मतलब गर्म खाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली आ गई है लाइट, लाइट आई गई छे मम्मी फाइनली। कैसा लग रहा है मम्मी लाइट आने के बाद? भाई मम्मी तो पूरी पसीने से भीग गई है। आई होप चली ना जाए फिर से, वरना पोपट हो जाएगा हमारा भी। अब फाइनली एडिटिंग करते, वरना मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा था बिकॉज इतनी गर्मी लग रही थी भाई। फाइनली मम्मी और डैडी ने मिलकर मस्त खाना रेडी कर दिया भाई, कैमरा क्यों खराब है इतना। ओके तो आज बनाया गाइस स्पेशल, आज तो बनाया है आलू की सब्जी है, पूरी है, पापड़ है, भजिया है गुजराती स्पेशल, एंड श्रीखंड हम लाए थे वो, एंड है दाल और चावल भी है, बट जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया, बाद में लूँगा। तो फाइनली सभी लोग मस्त खाना खाने बैठे हैं, दादी दादा मैं मम्मी तो बाद में खाएगी, सब लोगों को देकर आपको पता ही है मम्मियाँ बाद में बैठती है लास्ट में। तो हाँ सभी लोग खा रहे हैं, वैसे बहन भी है। तो गाइस फाइनली मस्त खाना हो गया था हमारा, हम चल रहे जॉब फुल सेफ्टी के साथ। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता नहीं क्या सीन सुन चल रहा है हमारे गांव में। चलते फिलहाल लेट्स गो, अभी एक और काम पे भी जाना है, कूलर ठीक हुआ कि नहीं वो देखने, और फिर जाएंगे जॉब, वो सब झमेला है, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली आ गया था घर में, एंड हमारा कूलर मस्त रेडी होकर ठीक होकर आ गया है फाइनली, मलम पट्टी करवा कर एंड मस्त स्टार्ट हो गया। मम्मी कैसा लग रहा है, कैसी हवा आ रही है? अच्छे ना? बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया। पूरे गाइस बहुत पैसे ले लिए लेकिन, बट कोई नहीं ठीक हो गया। इतनी कड़कड़ती गर्मी है भाई, इतनी उकड़ती गर्मी है भाई, गर्मी इतनी भयंकर है गाइस, दो तीन दिनों से रह ही नहीं सकते थे। ये तो ठीक है आ गया कूलर, वरना तो हम बेहोश हो जाता भाई थोड़े दिनों में, क्योंकि दो दिनों से गर्मी काफ़ी है, एंड अभी भी गाइस दो तीन दिनों की आशंका है गर्मी पड़ने की। हाँ मम्मी अभी बाहर जाते हैं एंड बाइक पर बैठ कर क्या चले, तो ठंडी कटे गर्मी भाई। तो कंटिन्यू कर रहे फाइनली ब्लॉग हमारा, थोड़ी बहुत सी धूप कम हो गई तो जा रहे गाइस, की कहानी आपको पता ही है हम कहाँ जाएंगे नज़दीक में कौन सी जगह है। फिलहाल गाइस हमारा बाइक बाहर गया हुआ है, दादा लेकर बाहर गए हुए है बाइक हमारा। कान कट्टी कैसा नो भाई, ये चेक करो गाइस नए कमल खिले हैं आज तो हमारे तालाब में भाई, इतनी धूप में कैसे रहते होंगे भाई कमल, तो बट पानी में उनको धूप कम ही लगती है वैसे। फिलहाल मस्त दर्शन एंड फिर सनसेट व्यू लेते हैं मस्त हमारा, ये चेक करें पहले मस्त दर्शन कर लेते हैं, सनसेट अभी थोड़ा होने देते हैं मस्त। गरम गरम भाई बहुत ही गरम है गाइस, जल गया पूरे पैर। जा गए थे हम तालाब देखने, यहाँ से तालाब व्यू पाई क्या पूरा भरा हुआ है तालाब, तो ये चेक करो फिशिंग चल रही है यहाँ पर तो भाई जम के। एंड एक चीज़ गाइस ये पता नहीं क्या है, ये चीज़ जो तैर के आई हुई है पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ गए थे अभी तालाब व्यू चेक करने, एंड यहाँ से सनसेट थोड़ा बहुत हो रहा है मस्त, एंड वहाँ पर चल रही है फिलहाल फिशिंग, ये चेक करो तगड़ी वाली फिशिंग चल रही है भाई, ट्यूब वो ट्यूब आती है ना बड़ी वाली वो लेकर
फिशिंग कर रहा है भाई कोई। एंड ये एक चीज़ पता नहीं क्या है, कुछ तो है बट जो तैर के आई हुई है, कर जैसा लग रहा है मुझे तो, पता नहीं क्या है भाई, छोटी सी चोपड़ी हो ऐसा लग रहा है मुझे तो भाई। एंड काफ़ी पानी है वैसे गाइस, मछली भी काफ़ी है। कितनी पीसफुल जगह है गाइस, क्या मस्त सुकून है यहाँ पर। शांति एकदम, सन्नाटा गाइस, कोई भी आवाज नहीं, सुकून। हाँ जब भी मैं गाइस मतलब अकेलापन थोड़ा जाता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ इस टेंपल पर, काफ़ी सुकून काफ़ी पीस मिल रहा है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिलती है, एनर्जी मिलती है। धूप में ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का मौका ही नहीं मिलता, बाहर तो निकल ही नहीं सकते। अभी बजे 7 बज गए फिर मैं यहाँ पर आया, और फिर भी गाइस इतनी धूप लग रही है भयंकर, और 5-6 दिनों की संभावना है गर्मी ज़्यादा पड़ने की, तो बाहर निकलना तो गाइस इग्नोर करना ही पड़ेगा वरना बीमार बीमार हो सकते हैं। तो उससे अच्छा घर पे रहो, सेफ रहो, स्टे सेफ गाइस, आप भी बाहर मत निकलिए, अगर कमी कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो ही निकलना चाहिए वरना बीमार हो सकते हो भाई आप। तो स्टे सेफ, घर पे रहो, सेफ रहो। चंदा मामा आ गए फाइनली, काफ़ी गर्मी है, सनसेट व्यू चेक करते हैं आगे, लेट्स गो। यहाँ से नहीं जाना भाई, सफेद पट्टे में जाते हैं, बहुत ही गर्म है गाइस, ये टाइल्स बहुत ही गर्म है गाइस। मंदिर के चारों ओर आपको पता ही है ये केवल शक्ति पीठ है, एंड हमारे गांव में एक प्रसिद्ध टेंपल है आपको पता ही है, जगत जननी श्री कमला उमा का, मैं अक्सर यहाँ पर आता ही रहता हूँ, तो जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे उसको पता ही होगा। तो हाँ ये चेक करिए सनसेट व्यू, सनसेट व्यू पर भी गाइस धूप है, इतनी धूप भाई, सनसेट होने को आया फिर भी। ये पंछियों की आवाज़ एक सुकून देती है गाइस, ऐसा नेचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग जाएंगे गाइस कभी ट्रैवलिंग करने अगर मौका मिलेगा तो, इन गर्मियों में अगर, हाँ देखते हैं। चलो जगह जाने का प्लान था बट इन गर्मियों में कहाँ जा सकते भाई, इतनी धूप है तेज। तो श्री आदि शक्ति श्री कमला उमा भाई, वो लड़के अकेले कुएं में से पानी निकल रहा है, कैसा पानी है कैसा नहीं चेक करते भाई, कितने सालों से कुआं नहीं देखा भाई, भाई ये तो पूरा गंदा हुआ रखा है कुआं, तो ये चेक कर, पानी भी गंदा ही लगता है भाई, ये शुद्ध पानी है? हाँ, शुद्ध पानी है पीने का, पर ये तो बहुत ही गंदा है भाई। गंदा नहीं है वो पानी, देख। वो सारा गांव इस कुएं का पानी पीते है, पर लील कुछ ज्यादा ही आ गई है भाई, और लील का कुछ नहीं है। देखो मैं ये सब, आप रोज भर के ले जाता हो भाई, रोज भी तो सारा गांव पीता है इसको, ऐसा क्या? हाँ फिर भी पानी तो शुद्ध ही आता है ना बच्चे, ये चेक करो पानी भर भर के ले जा रहा है घर, बाइक लेकर आया भाई, आ गए थे घर। एंड गाइस टी शर्ट पूरा गीला हो चुका है पीछे से मेरा, इतना पसीना भाई। हाँ गाइस अभी मैं फिलहाल कूलर की मस्त ठंडक ले रहा था बिकॉज पसीने से पूरा भीग गया था, मैं प्रार्थना कर रहा था तो अभी हाँ भाई हालत ख़राब हो गई पसीने से, तो मस्त कूलर की हवा खा रहा हूँ अभी तो फिलहाल मस्त। और गाइस हमारा खाने का प्रोग्राम अभी फिलहाल उस वाले घर पर है, तो मम्मी और बहन वहाँ पर है तो हम भी जाते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर कूलर की हवा खा लेते बिकॉज भीग गया, पूरा भीग गया गाइस। ओके तो फिलहाल खा लीजिए मस्त कूलर की हवा हमने, एंड मस्त ठंडा ठंडा कूल कूल हो गए, तो फिलहाल अब चलते गाइस उस वाले घर पर मम्मी और बहन और सभी लोगों के साथ मस्त रात, तो खाने का प्रोग्राम है वहाँ पर, तो चलते हैं एंड देखते हैं और खाना से मिलते हैं, लेट्स गो। जब खाना तो फिलहाल पाव भाजी खाने बैठ गया अकेले अकेले, कंजी कुंजी मेरे साथ नहीं खाएगा, अकेले अकेले खाएगा तू तो? खाना तो खा लेते हैं मस्त, मैं सोच रहा था अभी कंटेंट बनाऊँ बट खाना तो ये चेक कर रील्स स्क्रॉल करे जा रहा है करे जा रहा है।
किशमिश अभी गर्म। सो गाइस कंजी कुंजी तो सो गया रील देखकर और मैं भी सो गया था एडिटिंग करते करते भाई जस्ट अभी उठा। तो फाइनली आ गए थे घर हम एंड अभी इस वाले ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे ही करते हैं एंड सिंपल सा ब्लॉग था। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू स्टे सेफ एंड बाय बाय।